बाबा राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत को क्या हथकड़ी लगने वाली है। दरअसल पंचकुला पुलिस ने हनीप्रीत पर लुकआउट नोटिस जारी किया है। पुलिस को शक है कि हनीप्रीत देश छोड़कर भाग सकती है। ये वही हनीप्रीत है जो बाबा राम रहीम की बेटी कही जाती है, जिसको लेकर तमाम विवाद हैं। और क्योंकि वो राम रहीम के बहुत करीब है, इसलिए ये भी माना जा रहा है कि उसके पास राज भी बहुत हैं। क्या बाबा राम रहीम की मुंहबोली बेटी पर हरियाणा पुलिस शिकंजा कसने वाली है? क्या राम रहीम के साथ हमेशा साई की तरह रहने वाली हनीप्रीत के हाथों में हथकड़ी लगने वाली है? क्या हनीप्रीत को जेल होने वाली है? जी हां, हरियाणा पुलिस ने राम रहीम के साथ साई की तरह रहने वाली हनीप्रीत को लुकआउट नोटिस जारी किया है। हरियाणा पुलिस हनीप्रीत को सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी कर रही है। हनीप्रीत पर पंचकुला में देशद्रोह का मामला दर्ज है। राम रहीम को कोर्ट से भगाने की साजिश रचने का आरोप भी हनीप्रीत पर है। पुलिस को हनीप्रीत के देश से भागने की आशंका है। राम रहीम के जेल जाने के बाद से हनीप्रीत की कोई खबर नहीं है। हनीप्रीत इस वक्त कहां है ये किसी को मालूम नहीं है। राम रहीम के जेल जाने के बाद ऐसी भी खबरें सामने आई थी कि हनीप्रीत राम रहीम के साथ जेल में रहकर उनकी देखभाल करना चाहती है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हनीप्रीत राम रहीम के कितनी करीबी है। उनकी एक गोदली बेटी हनीप्रीत राम रहीम के साथ परछाई की तरह रहती थी, इसीलिए उसे राम रहीम का सबसे बड़ा राजदार भी कहा जाता है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि हनीप्रीत राम रहीम के परिवार के कितने करीब थी। ये तस्वीर 2 साल पहले की है। तस्वीर में राम रहीम, हनीप्रीत, उनकी दोनों बेटियां, दामाद, माँ और पत्नी है। दीप जलाते वक्त सबने हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन हनीप्रीत ने राम रहीम की पत्नी का हाथ झटक दिया, जिसके बाद वो पीछे हट गई। तस्वीर 9 दिसंबर 2015 की है। सिरसा में राम रहीम की तीसरी फिल्म के मुहूर्त शॉट पर दीप जलाकर शूटिंग की ओपनिंग की जा रही थी। जैसे ही दीप जलाने के लिए राम रहीम की पत्नी हरजीत कौर ने हाथ आगे बढ़ाया, हनीप्रीत ने उनका हाथ पीछे कर दिया। इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हनीप्रीत का कद कितना बड़ा था। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हनीप्रीत पर पुलिस की पहली नजर क्यों है, क्योंकि वही है जो बाबा राम रहीम की सबसे बड़ी राजदार है। पुलिस की गिरफ्त में आते ही बाबा के तमाम राज उससे उगलवाए जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को यह नहीं पता कि हनीप्रीत कहां है। किसी को यह नहीं पता है कि आखिर हनीप्रीत देश में है भी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो राम रहीम की सबसे बड़ी राजदार है हनीप्रीत, लेकिन हनीप्रीत कौन है? आखिर बाबा राम रहीम के जेल जाते ही इस नाम की चर्चा क्यों हो रही है? कौन है हनीप्रीत जो आज सुर्खियों में है? आइए हम आपको बताते हैं इस महिला के बारे में। अगस्त यानी शुक्रवार को डेरा प्रमुख राम रहीम को जब सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने साधियों के यौन शोषण मामले में दोषी ठहराया, तब से लेकर अब तक राम रहीम के बाद डेरा के किसी व्यक्ति का नाम सबसे ज्यादा लिया गया तो वो थी हनीप्रीत। यहां तक कि जब सोमवार को बाबा राम रहीम को जेल भेजने की बात हुई, तब भी यही बात सामने आई कि जेल में हनीप्रीत राम रहीम के साथ रहेगी। हम आपको बताते हैं कि ये हनीप्रीत है कौन। रेप के दोषी राम रहीम की सबसे करीबी है हनीप्रीत। राम रहीम के साथ साय की तरह रही थी हनीप्रीत। हनीप्रीत को राम रहीम अपनी गोदली बेटी बताते हैं। 35 साल की हनीप्रीत इंसा का असली नाम प्रियंका तनेजा है। हनीप्रीत उर्फ प्रियंका हरियाणा के फतेहाबाद की रहने वाली है। प्रियंका तनेजा का पूरा परिवार गुरमीत राम रहीम का भक्त है। प्रियंका के पिता रामानंद तनेजा राम रहीम के बड़े समर्थकों में से एक। सारी संपत्ति बेचने के बाद डेरा में दुकान चला रहे हैं रामानंद तनेजा। 1999 में प्रियंका की शादी पंचकुला के विश्वास गुप्ता से हुई। शादी के बाद प्रियंका तनेजा गुरमीत राम रहीम के करीब आई। राम रहीम ने प्रियंका तनेजा को गोद लेकर हनीप्रीत नाम दिया। 2009 में ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस किया। विश्वास गुप्ता ने राम रहीम पर अपनी पत्नी के साथ संबंध का आरोप लगाया। आरोपों के बाद हनीप्रीत और विश्वास गुप्ता के बीच तलाक हो गया। तलाक के बाद हनीप्रीत हर वक्त राम रहीम के साथ रहने लगी। 2014 में विश्वास गुप्ता ने राम रहीम पर लगाए आरोप वापस ले लिए। विश्वास ने अपने पिता के साथ डेरा जाकर आरोपों के लिए माफी मांगी। ट्विटर पर हनीप्रीत इंसा के 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं। ट्विटर पर खुद को राम रहीम की परी बताती हनीप्रीत। एक्टिंग के अलावा सह निर्देशक और सह निर्माता भी हनीप्रीत। हनीप्रीत वो शख्सियत है जो डेरा के भीतर सबसे ज्यादा मजबूत मानी जाती है। कहा जाता है कि डेरा में बाबा राम रहीम के बाद अगर किसी का जलवा है तो हनीप्रीत ही है। कहा तो ये भी जाता है कि बाबा राम रहीम के बाद अगर डेरा की बागडोर संभालने की ताकत किसी में है तो वो हनीप्रीत ही है, जिसे बाबा बेटी कहते हैं। लेकिन फिलहाल हनीप्रीत की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।